अजीब सपल, जब तुमने सांता के आने से पहले ही सारी कुकीज खा ली थी। हे मेरे भगवान, ये क्रिसमस है पर मुझे बिल्कुल भी क्रिसमस जैसा नहीं लग रहा। मुझे अभी के अभी छुट्टियों की भावना में आना होगा और मैं अपने गरम कोको से शुरू करती हूँ। पेट्जल की डंडियों को आधा तोड़ लें और मार्शमेलो को उन पर डाल दें। पेट्जल से बनी बाज हुई और टांगे जोड़ दें। संतरे वाले फ्लेवर की चॉकलेट चिप से एक गाजर वाली नाक काट लें और उसे स्नोमैन के सर में चिपका दें। पिघली हुई चॉकलेट से बारीकियां बना दें। मैंने एक प्यारा सा स्नोमैन बनाया है, लेकिन बर्फ से नहीं, मार्शमेलो से। एक गर्म कोको के अंदर नहाओ मेरे दोस्त। और ये लो, मुझे अब इसे बेहतर महसूस हो रहा है। मेरे दोस्त यहाँ है, वो यहाँ क्रिसमस मनाने आए हैं। छुट्टियाँ आ रही हैं, टीवी पर क्रिसमस के एड्स के अलावा कुछ नहीं है। कम से कम तुम्हारी दोस्त हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ है। ओह, ये एक अच्छी तरकीब है। चलो कोका कोला की एड जैसा छुट्टियों वाला एक ट्रक बनाएं। हमें इसकी जरूरत होगी और इसकी, और जल्दी, बस वक्त हो ही गया। और ज्यादा टेप, ये हमने कर दिखाया। एक ट्रक वाला खिलौना ले, उसे चारों ओर से लाल फोम पेपर में लपेट दे। दोनों तरफ छपी हुई कोका कोला की तस्वीर लगा दे। चिपकने वाले कोका कोला के चिन्ह कैबिन पर लगा दे। एक लाइटों वाली लड़ी के पावर बैंक को ट्रक के अंदर रख दे। लाइटों को गाड़ी के आसपास लपेट दें, उन्हें हॉट ग्लू से जोड़ दें। एक प्लास्टिक के डिब्बे में चबाने वाली कोका कोला कैंडीज डाल दें और उन्हें ट्रक में रख दें। ये एक असली का कोका कोला ट्रक है और इसके अंदर मीठे कैंडीज है। ये सच में एक साल का सबसे बेहतरीन वक्त है। रॉक पेपर सिजर, शॉन तुम हार गए। तब तैयार हो जाओ, तुम्हें बंदाखू के साथ एक खाने की चीज ढूंढनी होगी। लेकिन क्रिसमस का पेड़ गिरा मत देना। एक अलग हो जाने वाली प्लास्टिक गेंद को लाल रंग के एक्रिलिक पेंट से कोट करें। चांदी के रंग से बीचों बीच एक एस अक्षर की रूपरेखा बनाएं। उसके आसपास बर्फ के टुकड़े और बिंदु बना लें। एक बो उसके बांधने वाले पर जोड़ें। गेंद में स्किटल्स डालें। ठंडा ठंडा, गर्म हो रहा है। ये तुमने ढूंढ लिया, तुम्हारे तेज दिमाग ने तुम्हें निराश नहीं किया। इसको खोलो। ओह, ये एक पूरी स्किटल्स वाली गेंद है। एक सपना सच हो गया शॉन। क्या तुम्हें एक भी नहीं चाहिए? मेरी ओर से मंजूरी है। हम एक मस्ती भरी क्रिसमस की तस्वीर ले रहे हैं। हे शॉन, मुस्कुराओ। हो गया, मेरे पास बिल्कुल भी तरकीब ही नहीं है। तुम्हें मेरी क्रिसमस ब्राउनीज को खाकर देखना होगा। 5.5 औंस आटा, 3.5 औंस कोका पाउडर और 10 औंस चीनी मिला लें। एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालें। 7 औंस पिघली हुई चॉकलेट के साथ 7 औंस पिघला हुआ मक्खन भी मिला लें। 3 अंडे डालें। सूखी और गीली सामग्री को साथ में मिला लें और घोल तैयार कर लें। उसे एक गोल सिलिकॉन के सांचे में डाल दें और 30 मिनट के लिए 390 डिग्री पर बेक कर लें।
तैयार ब्राउनी को 800 में बांट दी। हर टुकड़े में एक स्ट्रॉ डालें। पिघली हुई ग्लेज से एक पैटर्न बना लें और ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स डाल दें। कितना स्वादिष्ट है। मैंने इससे पहले ऐसा क्रिसमस का पेड़ कभी नहीं खाया। चलो अब कुछ मजेदार तस्वीरें लेते हैं। हम क्रिसमस टैरेट्स खेल रहे हैं। ये एक गोला है, अजीब तरीके से जल रहा है। क्या ये हमारी आंटी है? नहीं, ये एक पेंगुइन है। बिल्कुल सही। चलो प्लेट में देखें। और ये रहे छोटे से प्यारे पेंगुइन्स। एक ओरियो कुकी पर पिघली हुई सफेद चॉकलेट से दिल का आकार बनाएं। ओरियो के छोटे टुकड़ों को पिघली हुई डार्क चॉकलेट में डुबोएं और उन्हें कुकीज पर पंख के रूप में लगा दें। डार्क चॉकलेट से आंखें बनाएं और पीले रंग की ग्लेज से पार्चमेंट पेपर पर पैरों के आकार में थोड़ी पीली ग्लेज लगा दें। एक चोंच बना दें। जब वो सख्त हो जाए उन्हें ग्लेज की मदद से पेंगुइन पर जोड़ दें। सफेद रंग की ग्लेज पिघलाएं और पार्चमेंट पेपर पर उसकी एक समान परत बना लें। ग्लेज के सख्त होने के बाद उसमें से एक चकोर काट लें। वो एक बर्फ का टुकड़ा बनेगी। उस पर पेंगुइन रख दें। ये कितने प्यारे हैं। हे, यहाँ एक कम है। सिर्फ उसके पैर कहाँ है और इस झुंड का नेता कहाँ है? ये रहा शॉन के मुंह में। अगला संकेत। ओह, तुम क्या दिखा रही हो? एक पीठ ऊंची वाली रानी, दोषी, एक पागल खरगोश। हमें समझ नहीं आ रहा, दोस्त पहचान नहीं पाए। लेकिन किसी ने चीटिंग करने और जवाब में झांकने का फैसला कर लिया। ओह, ये एक रेंडियर है। मुझे पता था। बिल्कुल सही, तुमने पहचान लिया। तो तुम्हें एक तोहफा मिलता है। मिल्क चॉकलेट पिघला लें, उसमें एक डोनट डुबोएं। मार्शमेलो को दो हिस्सों में बांटें। उसके एक आधे हिस्से को लाल रंग की ग्लेज में डुबो दें। पार्चमेंट पेपर पर पिघले हुए डार्क चॉकलेट से हिरण के सींग बना लें। सफेद चॉकलेट चिप्स पर डार्क चॉकलेट की मदद से बिंदु बना लें। ये आंखें होंगी। क्या प्यारा रेन डोनट है। हे, हमारे साथ भी बांटो। हम भी मिठाई रन चखना चाहते हैं। शांत हो जाओ दोस्तों, यहाँ और भी बहुत सारे रेनडियर हैं। स्वादिष्ट। अगली बारी शॉन की है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खेलना चाहता। ठीक है, मैं करती हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि ये क्या है। शॉन ने सब नियम तोड़ दिए और एकदम से प्लेट खोल दी। देखो, ये एक भालू है। मॉडलिंग टूल की मदद से सफेद चॉकलेट चिप्स में छेद बनाएं, गोल आंखें और एक हंसते हुए मुंह का आकार दें। पिघली हुई चॉकलेट की मदद से एक बड़े ग्लेज से बने चिप पर भालू के चेहरे की बारीकियां जोड़ दें। एक कागज जिस पर स्नोफ्लेक्स छपी है उसे एक पार्चमेंट पेपर से ढक लें और फिर स्नोफ्लेक्स को पिघली हुई चॉकलेट ग्लेज से छाप लें। उन्हें सख्त होने दें। एक मिक्सर से कन्फेक्शनरी आइसिंग व्हिप कर लें। उसे एक पेस्ट्री बैग में डालें। आइसिंग को चॉकलेट से बने कपकेक्स पर डाल दें। उन्हें भालू और स्नोफ्लेक्स से सजा दें। हे शॉन, तुमने ऐसा क्यों किया? हम खेलना चाहते थे। तुम एक भालू को चूना नहीं लगा सकते। शॉन बस सारे कपकेक खुद ही खाना चाहता था। छुट्टियों के खाने पर आपका स्वागत है। हे नीली आंखों वाली लड़की, ये असली का खाना नहीं है। क्या तुम प्लास्टिक खाना चाहती हो? हाहा, पकड़ी गई। इसमें स्पेसिफिक खाने वाली चीज है। देखो कौन सी। क्या वो? ये क्रिसमस हार है। 3.5 औंस कॉर्नफ्लेक्स में,
3.5 औंस हरी चॉकलेट ग्लेज मिलाएं। फ्लेक्स को रंग देने के लिए अच्छे से मिलाएं। पार्चमेंट पेपर पर फ्लेक्स को एक अंगूठे के आकार में रखें, एक माला बनाएं। उसे M&M से सजा दें। कद्दूकस किया हुआ नारियल छिड़कें। सख्त हार पर पिघली हुई चॉकलेट की मदद से लाल रंग के फोंडेंट से बने बो को जोड़ दें। वाह, ये हार सच में खाया जा सकता है। शॉन ने खुद इसे चक्कर देखा है। क्या तुम्हें पसंद आया? ये स्वादिष्ट है। आदमी कभी कभी लड़कों की तरह काम करते हैं। देखो, वो फिर गाड़ियों से खेल रहे हैं। चलो एक ढलान पर दौड़ लगाएं और देखते हैं किसकी गाड़ी तेज है। इन्होंने जल्दी से एक बर्फ का पहाड़ बना दिया। वाह, तुम यहाँ ओलंपिक खेलों का आयोजन भी कर सकते हो। बर्फ का रास्ता तैयार है, चलो चले। तैयार, चलो। स्लेज के आकार में एक रिटर स्पोर्ट चॉकलेट को दो लिपटे हुए कैंडी कैन से जोड़ दे। उसके ऊपर और चॉकलेट के बार जोड़ दे। पूरे टुकड़े के आसपास एक क्रिसमस रिबन बांध दे और एक बो से सजा दे। आगे की ओर एक चॉकलेट से बना सेंटा क्लॉस ग्लू से लगा दे। गाड़ियों के सामने एक चॉकलेट स्लेज, तैयार हो जाओ। चलो उन मोड़ों को देखो, ये रास्ता कितना खतरनाक है। लेकिन स्लेज सब रुकावटों से जल्दी से निकल आया। ये मैं जीत गई। अब मैं स्लेज खा सकती हूँ। सभी को एक कैंडी मिल गई। हमने सारा खाना खत्म कर दिया पर हमारा पेट नहीं भरा अभी तक। मेज पर बस अब ये ब्रेड बची है। मैंने तुम्हारे लिए एक सेंटा न्यूटेला भी बनाई है। एक न्यूटेला के जार पर सफेद एक्रिलिक पेंट का एक कोट लगाएं। उसके ऊपर लाल रंग करें। फोम पेपर में से एक बेल्ट और एक रेक्टेंगुलर बकल काट लें। बेल्ट को जार पर जोड़ दें। बटन्स के लिए सफेद पॉम पॉम्स जोड़ें। लाल फेल्ट में से दो त्रिकोण काट लें। एक टोपी बना लें। उसे ढक्कन पर लगा दें और एक पॉम पॉम से सजा दें। ये अब तक का सबसे फेमस न्यूटेला है। चलो कुछ स्वादिष्ट चॉकलेट के टोस्ट खाएं। ट्रीट के लिए शुक्रिया सांता। क्या आपको हमारे क्रिसमस की खाने वाली चीजें पसंद आई? तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप अपने दोस्तों के लिए कौन सी खाने की चीज बनाएंगे। ओरियो पेंगुइन्स, रेंडियर डोनट्स, एक मीठा स्लेज या एक कुरकुरा हार। और इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आप ट्रूम ट्रूम भर क्रिसमस की नई तरकीबों को मिस न करें।